अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल जद्दा में एक ख़ुदकश धमाका हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर की जा रही है कि जद्दा में एक खुदकश धमाका हुआ है जिसमें इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक सऊदी शहरी ने यह ख़ुदकश धमाका किया जिसमें एक रिहायशी यानी गैर मुल्की और तीन सिक्योरिटी एहलकार ज़ख़मी हुए हैं तफसीत के मुताबिक रिहायशी पाकिस्तानी है और तीन सिक्योरिटी अहलकार भी ज़ख़्मी हुए हैं सिक्योरिटी इदारों को एक मतलूब शख्स के बारे में जब गिरफ़्तार करने उसे पहुँचे तो इस शख्स ने धमाका खेस मवाद लपेट रखा था और ख़ुदकश धमाका कर दिया सऊदी अरब के अहम तरीन सरकारी जराये से दीगर अखबार और दीगर जराये से भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि एक शख्स ने खुदकश धमाका किया है इसकी इब्तदाई तफसी जो आई हैं वो ब्रेकिंग न्यूज आप तमाम भाइयों से शेयर की गई हैं सऊदी अरब के अहम इदारों की जानब से कहा गया कि अवाम की जानों माल का तहफ़ करना सऊदी हुकूमत की अवलिन तरजीह है आवाम से भी कहा गया है कि हर लेवल पर ऐसे अफराद जो किसी भी लेवल पर कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं उसके बारे में जो भी इतलात इनके पास हों फौरी तौर पर हमें इस बारे में बताया जाए याद रखें सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे गुजश्ता बुध से इस शख्स की निगरानी कर रहे थे और मुनासिब टाइम देखते ही इसे गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो इसने धमाका खेज मवाद लपेट रखा था और इसके साथ ही इसने धमाका किया जिससे ये खुद जाम बाक हो गया और एक पाकिस्तानी शहरी जख्मी हुआ है जबकि तीन दीगर अफराध हॉस्पिटल पहुंचे हैं जो कि सिक्योरिटी एहलकार हैं ब्रेकिंग न्यूज आप तमाम भाइयों से शेयर की गई है ताजा तरीन अपडेट जानने के लिए मेरे दूसरे चैनल के जो लिंक्स हैं इस पर क्लिक करके उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त अहम तरीन इतलात आपको मिलती रहें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा असला